हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एंड्रॉयड सिटी 88 में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो आज का है हमारा कि आप जियो फोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और जियो फोन के अंदर दूसरा एंड्रॉयड फोन मतलब डिस्प्ले पर केवल दिखाई देगा, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सभी वर्क करेगा। और फ्रेंड्स, उसमें आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन हो, लाइक एनसेंट ब्राउज़र और कोई जैसे अर्न मनी, कोई भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप अर्न मनी भी कर सकते हैं जियो फोन पर। तो आज का ट्रिक बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, तभी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और घंटे के आइकन को भी वैसे प्रेस करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियोस का और आप सबसे पहले सीख सकें। तो फ्रेंड्स, अभी जाकर सब्सक्राइब करो, अभी जाकर क्लिक करो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और चलते हैं अपने जियो फोन पर और लाइव टू लाइव देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर वीडियोज़ नहीं आई है, उसके लिए खेद है हमें। और अभी आगे चल के भी कुछ दिनों तक वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी, उसके बाद अपना टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा 11 o'clock। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने जियो फोन पर। अपने जियो फोन पर तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना ब्राउज़र। ओपन करने के बाद इसमें सभी ऐप्स आपको यूज हो चुकेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है appetizo.io। तो फ्रेंड्स, मैं सर्च कर ले रहा हूँ appetizo.io, तो आपको यही सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये सर्च कर लेना है, तो मैं अभी इसको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये सर्च करने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा appetizo.io फ्रेंड्स, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो ये सबसे पहले ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए appetizo.io के वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप देखेंगे राइट साइड, यहाँ पर कॉर्नर में एरो दिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर एरो गया देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा साइन इन। तो यहाँ पर साइन इन आपको करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करके ही आप लोग कर लेंगे दोस्तों, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं साइन इन कर ले रहा हूँ, आपको वहीं पर क्रिएट अकाउंट सभी हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर साइन इन में जाएंगे तो यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सेटअप योर अकाउंट। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर सेटअप कर लेंगे सभी ईमेल आईडी डालने के बाद, और कंफर्म कर लेंगे अपने ईमेल आईडी से। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना ईमेल आईडी, मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप साइन इन करेंगे या फिर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो शायद ऐसा आ सकता है आप में रिकैप्चा फिल करने के लिए, तो ये आपको बता दूं कि ये रोबोटिक कंफर्म करने के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मोटरसाइकिल्स, तो इस इमेजेस में जितने भी मोटरसाइकिल है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि इसमें है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें देखिए तो है दोस्तों, नहीं है तो जिसमें है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे, तो मैं अभी कर लेता हूँ। दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इंटरफेस ऐसा आएगा, आपको यहाँ पर ऐप्स की जगह पर अपलोड, यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स यूज होगा, यहाँ पर आप एप्पल के भी ऐप्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि iOS ऐप्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें पहले से एनसेंट ब्राउज़र मैंने डाल रखा है, तो ये आपको थोड़ा सा वॉच करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप ये आपका मोबाइल का अकाउंट हो गया दोस्तों, यहाँ पर एक आपका मोबाइल मिल जाएगा। तो इस जियो फोन में नहीं चला सकते हैं, लेकिन इसमें तो आप अवश्य चला सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं अभी एनसेंट ब्राउज़र देखेंगे तो ये छोटे से एक मोबाइल आएगा न्यू, उसमें ओपन होगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा मोबाइल ओपन हो गया। तो इसमें ढेर सारे ऐप्स नहीं सपोर्ट करेंगे दोस्तों, कुछ ही कुछ करेंगे, क्योंकि अगर आपको सभी करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको प्रीमियम प्लान लेना होगा, यानी पैसे वाला। देखिए एमसेंट ब्राउज़र ओपन हो गया है दोस्तों, आप सभी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं बता दूं कि इसमें आपको ऐप्स डालना कैसे, एक बार डाल देंगे वो हरदम के लिए रहेगा, तो ये एमसेंट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको किसी वेबसाइट से जाकर ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो ब्राउज़र में जाकर करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ वेबसाइट का नाम बताता हूँ, तो फर्स्ट मेरा खुद का बनाया हुआ वेबसाइट है, वो आपको बता दूंगा, 9store2u है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। और दूसरा एक बता दूंगा, सभी ऐप्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे तो आपके लिए वहाँ पर जाकर डालना पड़ेगा। तो आप चले जाएंगे इनसे दूसरे वेबसाइट पर, तो मैं आपको पहले पहला वेबसाइट बता देता हूँ।
गूगल में जाने के बाद तो सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है, देख सकते हैं, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, 9PUK स्टोर, यानी SPOPUR, यहाँ पर 212 मगर 2 लिखेंगे, UTU लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए 9 Store 2U, मैंने कैसे लिख रखा है, ऐसे ही आपको सिलेक्ट सर्च करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट आएगा 9Store2U.tk, तो इसको आपको ओपन करना है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे दोस्तों, मैं इसमें डाल रखा है मैंने। तो यहाँ पर आपको जाना है और किसी भी ऐप्स पर ओके करने के बाद वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऐप्स डाल रखे हैं मैंने। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन जब नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें ऐप्स मिल जाएंगे आपको। मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते थे, फिलहाल तो जियो फ़ोन में व्हाट्सएप आ चुका है। यहाँ पर वे टू SMS, फ्री में SMS करने के लिए ये है। यहाँ पर क्लॉक लॉकर, आप किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डाउनलोड का अपलोड करना बताऊँगा। अगर आप कमेंट में मेरे से और कुछ इसके बारे में पूछना सकते हैं, यानी कि क्रिएट अकाउंट कैसे करें अपलोड करके पूरा लाइव, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो आपके लिए दूसरा वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कमेंट अवश्य करना अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेविटी लॉन्चर, सभी चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं एक पफिन ब्राउज़र को आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, या फिर वेयर इज़ माई ट्रेन, ये ट्रेन का लोकेशन देखने वाला है, तो इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ और फिर अपने उस मोबाइल में इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है मेरे इस वेबसाइट से, आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है सिंपल, देख सकते हैं वेयर इज माई ट्रेन। यहाँ पर देख सकते हैं दो बटन दिखेंगे, एक डाउनलोड का और एक प्ले, गूगल प्ले का। तो आपको मैं बता दूं कि डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो नहीं डाउनलोड होगा, वो थोड़ा ऐड वैड दिखाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं, उसे भी हो जाएगा। आपको पीछे वाला बटन ग्रीन कलर का है गूगल प्ले, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो बटन है बैक वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे फिर ये होने लगेगा डाउनलोड। तो दोस्तों ये डाउनलोड करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा MB, तो मैं पहले से एक डाउनलोड आपको अपलोड करने का बता देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा अपने आप से। तो यहाँ पर अब आप नीचे जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद होने लगेगा। तो यहाँ पर अगर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होने लगेगा दोस्तों, देखिए ये डाउनलोड होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर डाउनलोडिंग दिखा रहा है, तो ऐसे आपको डाउनलोड होने लगेगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अब इंस्टॉल कैसे करना है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको उसी अपना लॉगिन कर लेना है appetizer.io में, आप उस पिन करके रख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरा टॉप साइट्स में है कि नहीं वो। तो यहाँ पर आपको पिन रहेगा पहले से प्रिंट कर लेंगे, तो मेरा पिन नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मैं appetizer.io के वेबसाइट पर फिर से जाता हूँ, वहाँ से फिर वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा बन गया। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड एन ऐप यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो सिलेक्ट फाइल आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड्स में सिलेक्ट फाइल मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वेयर इज माई ट्रेन अभी डाउनलोड किया है, तो इस पर ओके कर देंगे। तो इसके बाद ये होने लगा अपलोड, तो देख सकते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो ये इसको लोडिंग ले लेने देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है अपलोड, तो ये फुल अपलोड हो जाएगा, तो इसके बाद आपका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपलोड हो रहा है तो मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइल सक्सेसफुल अपलोडेड। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ये आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप कॉर्नर में यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, तो इसमें अब आपको ऑप्शन आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका डॉक्स, यहाँ पर ऑप्शन आएंगे डैशबोर्ड, तो यहाँ पर अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो
तो यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ का ऐप ग्रुप्स सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐप्स यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वेर इज माय ट्रेन अभी अपलोड किया तो यहाँ पर है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्यू करेंगे तो यहाँ पर व्यू जब करेंगे तो आपका वेर इज माय ट्रेन ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सब्सक्राइब करने के लिए आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दें और उस घंटे के आइकॉन को दबा दें।